Wife dated us. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए द फीस्ट 2021 का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। हमारी आज की ये मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी को 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं, लेकिन रोटन टमाटो पर ये 18% फ्रेश है, तो होना हो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही बड़ा लैंड एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा था। यहीं पर हम एक वर्कर को भी नोटिस कर पाते हैं जो कि कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा था। तभी किसी अनजान शक्ति के चलते वो वहाँ पर बुरी तरीके से मार जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंट्रो सीन कट होता है। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने आलिशान फार्म हाउस पे आए हुए थे। और इसी फैमिली में ग्लेंडा, उसका हस्बैंड ग्वेन, उनका बड़ा बेटा ग्वेरोड और सबसे छोटा बेटा ग्यूटो शामिल था। इन फैमिली की एक अजीब बात यह थी कि इन सभी का नाम जी वर्ड से शुरू होते थे। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शाम को इन लोगों के घर पर कुछ गेस्ट आने वाला है, जिसके चलते ग्लेंडा ने एक मेड को बुलाया है जिसका नाम कार्डी होता है। लेकिन ग्यूटो यहाँ पर कार्डी को गलत नज़रों से देखता है, इस वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो अपने हाथों में पकड़े कुल्हाड़ी को वो अपने पैर पर गिरा लेता है, जिससे कि उसके पैर में काफ़ी गहरा जख्म हो जाता है। कार्डी अब घर के अंदर आकर शाम में आने वाले गेस्ट के लिए सब कुछ तैयार करने लगती है। वो अपना काम कर ही रही थी कि तभी उसे गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है, जिस कारण वो डर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोली ग्वेन ने चलाई थी ताकि वो रैबिट का शिकार कर सके। अब हम कार्डी को देखते हैं जो कि उस घर में लगी एक पेंटिंग की तरफ आकर्षित होती है, और इस पेंटिंग में छुपा राज के बारे में हमें मूवी के एंड में पता चलने वाला है। यहीं पर हम गेवियट को भी देखते हैं जो कि कार्डी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर कार्डी शाम की सभी तैयारी कर देती है और टेबल पर वो एक फ्लावर पॉट को भी रख देती है जो कि ग्लेंडा को अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से वो उसे वहाँ से हटा देती है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्डी को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर मूवी में हमें इस फार्म हाउस के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये फार्म हाउस दरअसल ग्लेंडा के पेरेंट्स का था, जिनके मरने के बाद में वो ग्लेंडा का हो गया और अब ग्लेंडा ने इस फार्म हाउस को रेनोवेट करवाया है। इस फार्म हाउस के बहुत ही बड़े एरिया में फैले होने के कारण ग्लेंडा ने इसका कुछ हिस्सा एक लेडी को भी बेच दिया था जो कि यहाँ की लोकल है और वो आज शाम को यहाँ पर आने वाली है। अब हम ग्वेन को देखते हैं जो कि रैबिट का शिकार करके लेकर आया था ताकि रात में वे सभी उसे खा सके। लेकिन मरे हुए रैबिट को देखकर कार्डी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, जिस वजह से वो घर के बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसे ग्विड मिलता है और उसे बताता है कि उसके डैड यहाँ पर शिकार करने के लिए ही आते हैं और उन्हें इन इनोसेंट जानवर को मारने में बहुत मज़ा आता है। फिर कुछ समय के बाद कार्डी दोबारा घर के अंदर जाती है जहाँ पर ग्लेंडा किचन में रैबिट का कच्चा मांस निकाल रही थी ताकि वो उससे डिनर बना सके। वो कार्डी के गंदे कपड़ों को देखकर उसे चेंज करने के लिए बोलती है, जिसके बाद में कार्डी ग्लेंडा के वार्डरोब में से एक कलरफुल ड्रेस को निकाल लेती है और उस पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स बने हुए थे। जब वो चेंज करके बाहर आती है तो सामने ग्विन को पाती है जो कि उससे बदतमीज करता है और कार्डी वहाँ से चली जाती है। कार्डी के जाने के बाद में ग्विन को एक लाउड वॉइस सुनाई देती है जिससे कि उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर हम कार्डी को एक गाना गाते हुए देखते हैं जिस गाने को ग्लेंडा पहचान लेती है, क्योंकि वही सेम सॉन्ग उसकी मदर भी गाया करती थी, और इस गाने से ग्लेंडा कार्डी से बहुत ही खुश होती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ग्यूटो एक ड्रग एडिक्ट है और इसी के चलते ये पूरी फैमिली इस फार्म हाउस में कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई है ताकि वो ग्यूटो को इस एडिक्शन से आज़ादी दिला सके। इसके बाद ग्लेंडा वेरिट को ढूंढती है जो उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलता है और इसके चलते उसे ग्वेरिट की चिंता होती है। वो कार्डी से ग्वेरिट के बारे में पूछती है लेकिन कार्डी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब हम बाहर ग्यूटो और कार्डी को बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर ग्यूटो कार्डी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए ड्रग्स का इंतजाम करें, क्योंकि कार्डी यहाँ की लोकल थी। तो वो ग्यूटो को जंगल में लेकर आती है जहाँ पर एक पेड़ पर बहुत से मशरूम लगे हुए थे और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि ये मशरूम नशीले हैं और शायद पॉइजनस भी हो सकते हैं, लेकिन ग्यूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उन्हें अपने नशे को पूरा करने के लिए लेने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि ग्वेरिड जो कि चुपके से इन दोनों पर नज़र रखे हुए था,
फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उनका पहला गेस्ट आ चुका था, जिसका नाम था यूरोस, जो कि अपने साथ में एक महंगी वाइन की बोतल लेकर आया था। लेकिन वो उससे सड़क पर गिर जाती है और उसे साफ करने के लिए काडी आती है, लेकिन काडी उसे साफ करने के बजाय उसे चाटने लगती है और वो एक कांच के टुकड़े को अपना प्राइवेट पार्ट में डाल लेती है और अंदर चले जाती है। हमें अब यूरोस के बारे में पता चलता है, जो कि उस पूरे एरिया में माइनिंग कर रहा था ताकि वो कुछ प्रीशियस मिनरल को पा सके, और इसी के चलते उससे बहुत सी कीमती चीजें इस जगह से मिल भी जाती है। ग्विन ने अपने यहाँ की सारी जमीन यूरोस को माइनिंग के लिए दे रखी थी, लेकिन ग्लेंडा ने पैसों के लालच में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ की एक लोकल ओल्ड लेडी को बेच दिया था, जिसे यूरोस अपनी माइनिंग के लिए खरीदना चाहता था, और इसी वजह से इन लोगों ने उस ओल्ड लेडी को भी अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ग्लेंडा के पेरेंट्स ने इस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा था और यहाँ की प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं होने दिया था, लेकिन ग्लेंडा उनके मरने के बाद में इसका बिल्कुल ही उल्टा कर रही थी, और कुछ पैसों के लालच के चलते उसने पूरी जमीन यूरोस को सौंप दी थी ताकि वो माइनिंग कर सके। फिर यूरोस ग्विन को एक केव के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसे हाल ही में पता चला है, और ये केव उसी लैंड एरिया में है जिसे ग्लेंडा ने बेच दिया था, और यूरोस के मुताबिक इस केव में से उन्हें बहुत ही सारी कीमती चीजें मिल सकती थी जो कि उन्हें करोड़पति बना देगी। वो बताता है कि अभी उसने कुछ दिनों के लिए अपने काम को रोका हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके एक वर्कर की माइनिंग के दौरान मौत हो गई थी, और ये वर्कर कोई और नहीं बल्कि वो है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कुछ देर के बाद में यहाँ पर मेयर भी आ जाता है, जिसे ग्लेंडा ने अपनी जमीन बेची थी। ग्लेंडा मेयर से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, और उसके जवाब में मेयर उसे बताती है कि उसके हस्बैंड उसके साथ ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक लेक में कार पलटी हुई दिखाई दी, जिस वजह से उसके हस्बैंड यहाँ पर नहीं आए, और पुलिस के साथ में वो उस गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी की बातें काडी चुपकर सुन रही थी, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया हो, लेकिन अभी तक मूवी में हमने जितनी बार भी काडी को देखा है उसमें से मोस्टली टाइम काडी के आसपास धूल मिट्टी जरूर थी, और इस राज का खुलासा वीडियो के एंड में होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काडी अब यहाँ पर मेयर से मिलने जाती है और मेयर उसे पहचान लेती है क्योंकि वो यहाँ की लोकल है। मेयर यहाँ पर ये बताती है कि काडी के फादर की डेथ कुछ टाइम पहले हो चुकी है और इस वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है। फिर काडी सबके लिए डिनर लेने जाती है, जहाँ पर वो रैबिट को देखकर वॉमिट कर देती है, पर उसे किसी ने भी ऐसा करते हुए नहीं देखा था, जिसके चलते वो वैसे ही रैबिट को ले जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम ग्यूटो को देखते हैं, जिसके पैर पर कुल्हाड़ी की वजह से उसका जख्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और अब उसका आधा पैर लगभग सड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आता है और उन मशरूम को खाता रहता है। मेयर ग्लेंडा के साथ में उसके घर को एक्सप्लोर कर रही थी, जहाँ पर अचानक उसके सामने एक पंखा आकर गिर जाता है, जिससे कि ग्लेंडा थोड़ा सा डर जाती है। हम यहाँ पर अब काडी को देखते हैं, जो कि एक जंगल पर आकर लेट जाती है और उसके आसपास के पेड़ की सभी ब्रांचेस उसकी बॉडी पर आकर चिपक जाती है, जहाँ पर हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि काडी नॉर्मल नहीं है, और वो कौन है ये हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है। अगले सीन में हम सभी को डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्लेंडा मेयर को कन्विंस करती है ताकि वो अपने लैंड यूरोस को माइनिंग के लिए दे दें। वो सभी मेयर को बहुत लालच देते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है क्योंकि उसकी सोच ग्लेंडा के पेरेंट जैसी थी और वो अपने प्रकृति से बहुत प्यार करती थी। ग्लेंडा उसे कन्विंस कर रही थी, लेकिन वेरिट के मुंह में अचानक से कच्चा मांस फंस जाता है, जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है। लेकिन काडी यहाँ पर आकर गेविट के मुंह में हाथ डालकर उसके मीट को निकाल लेती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। फिर अब इसके बाद में काडी ग्यूटे के रूम में जाती है उसे डिनर देने के लिए। यहाँ पर ग्लेंडा काडी के शरीर से गिर रही धूल को देख पाती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे ये बस नॉर्मल लगता है। अब काडी ग्यूटो के रूम में जाती है, जहाँ पर वो ग्यूटो को दर्दनाक हालत में देखकर उसकी मदद करती है और उसका सगड़े हुए पैर को चाट चाट कर साफ करती है। और दोस्तों, ये सीन सचमुच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। फिर जब काडी नीचे आती है तो ग्विन उसे गाना गाने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर ग्विन उसे फोर्स करता है। और तब काडी एक ऐसी वॉइस निकालती है जो कि सिर्फ ग्विन को सुनाई देती है और उससे उसे बहुत तकलीफ होती है। जब काडी वहां से जा रही होती है तो ग्विरिड पीछे से आकर उसे किस करता है और काडी उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहां पर ग्यूटो एक जगह पर पड़ा तड़प रहा था। अपने भाई को इस हालत में देखकर ग्विरिड परेशान हो जाता है
और काडी उसे सलाह देती है कि वो उसका पैर काट दे। विरिड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो अपने भाई के पैर को काट डालता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। इसके बाद काडी ग्विरिड को सेड्यूस करती है और दोनों जंगल में इंटीमेट होते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के दौरान ग्विरिड मारा जाता है, क्योंकि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि काडी ने अपने प्राइवेट पार्ट में एक कांच का टुकड़ा डाल लिया है और काडी ने यह प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी क्योंकि उसे पता था कि ग्विरिड उसे लाइक करता है। फिर हम ग्लेंडा को देखते हैं जो कि मेयर को वही पेंटिंग दिखाते हुए बताती है कि ये पेंटिंग दरअसल इस पूरे लैंड एरिया का एक मैप है जो कि केव में हमें मिली थी, और जो केव हमें मिली है वो तुम्हारे एरिया में है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ग्लेंडा एक बार फिर मेयर को मनाना चाहती है कि वो अपनी ज़मीन को बेच दे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वहीं पर ग्विन को भी वो साउंड अभी तक हॉन्ट कर रहा था। फिर मेयर बाहर ग्लेंडा को बताती है कि उसके हस्बैंड ने पुलिस के साथ मिलकर उस कार को लेक से निकाल लिया है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि काडी की है। काडी बहुत पहले ही एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और इसके बाद में इस मूवी का पूरा सीक्रेट रिवील होता है। हम देखते हैं कि वास्तव में इस पूरे एरिया में एक आत्मा रहती है जो कि कभी भी किसी को भी बेवजह हॉन्ट नहीं करती है, लेकिन माइनिंग और इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से वो आत्मा अपनी नींद से जाग गई और इसके बाद उसने काडी की बॉडी को अपना मीडियम बनाते हुए सबको मारा ताकि वो प्रकृति को बचा सके। और ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि खुद प्रकृति है। शायद आप लोगों ने ये नोटिस न किया हो, लेकिन काडी ने यहाँ पर खुद किसी की भी जान नहीं ली थी। ग्यूटो का पैर काटा ग्विरिड ने, जिस वजह से वो मारा गया और ग्विरिड अपने लस्ट के चलते मारा गया। यहाँ पर आप सभी भी ये समझ गए होंगे कि काडी दीवार पर टंगी उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित क्यों हो रही थी, क्योंकि वो उसका घर है और उस पेंटिंग में उस पूरे एरिया का मैप था। फिर अब हम देखते हैं कि काडी घर में वापस आती है और सीधा ग्विन के पास में जाती है, जहाँ पर वो उसे अपनी गोद में बिठाकर एक चाकू देती है जिससे कि ग्विन खुद अपने कान में घुसा लेता है ताकि वो उस चुभने वाली आवाज से आजाद हो सके, और इसके चलते ग्विन भी खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाता है। अब हम ग्लेंडा को देखते हैं जो कि परेशान होकर अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी, और जब वो ग्यूटो के रूम में जाती है तो वहाँ पर इतने सारे खून को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर बेड पर उसे वही कलरफुल ड्रेस मिलती है जो कि उसने कार्डी को पहनने के लिए दी थी, और वो उस ड्रेस को खुद पहन लेती है क्योंकि वो उस ड्रेस की मदर थी। इसके बाद में ग्लेंडा बाहर आकर अपने बच्चे को आवाज लगाती है, लेकिन उसके बच्चे उसके पास तो आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूने की कोशिश करती है तभी वो दोनों दोबारा से उसके सामने ही मारे जाते हैं, और इसे देखकर ग्लेंडा बहुत ही ज्यादा रोती है। अब हम यूरोस को देखते हैं जो कि टेबल पर पागलों की तरह कच्चे मीट को खा रहा था, जिसे देखते हुए ग्लेंडा उसे ग्यूटो का सड़ा पैर काट कर खाने के लिए दे देती है और उसे यूरोस बड़े चाव से खा लेता है। उसे खाने के बाद में वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने ग्लेंडा को देखता है जो कि उसके सामने गन लेकर बैठी हुई थी। यूरोस कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे शूट करके मार डालती है, और यूरोस के मरने के बाद में वो खुद को भी शूट कर लेती है, और इसके बाद में अब सभी लालची मारे जा चुके थे। काडी वहां पर आकर उन सभी की डेड बॉडी को जला देती है और दोबारा से उसे केव में सोने के लिए चली जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी यह प्रेंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि एक फैमिली अपने फार्म हाउस में आई हुई थी। ये फार्म हाउस और आसपास का लैंड एरिया ग्लेंडा के फादर का था, जो कि ग्लेंडा के फादर ने ग्लेंडा को दिया था, लेकिन उसके फादर के मरने के बाद में ग्लेंडा ने उस एरिया को किसी और को बेच दिया। फिर वहां पर यूरोस नाम का एक आदमी आता है जो कि माइनिंग का काम किया करता था। उसे पता चलता है कि जिस एरिया को बेचा गया है उस एरिया में एक गुफा है जिसके अंदर करोड़ों की चीजें मौजूद है। ग्लेंडा भी लालच में आकर उस लैंड एरिया को बेचने का प्लान बनाती और यहीं पर प्रकृति अपना बदला लेने के लिए काडी के शरीर में आ जाती है और वो सभी लोगों से अपना बदला लेती है। तो आज की हमारी इस मूवी में हमने प्रकृति के एक खौफनाक रूप को देखा, क्योंकि हम इंसानों की गलत एक्टिविटीज की वजह से हमारा नेचर खतरे में है, और इसी लालच की वजह से ग्वेन और ग्लेंडा के साथ उनकी पूरी फैमिली मारी जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।